कराची में सर्द हवाओं की आमद के साथ ही मुतवस्सित तबके ने लुंडा बाजारों का रुख कर लिया। शहर कायद में गर्म मलबूसात की खरीदारी में तेजी आ गई। बाजारों में बड़ी तादाद में आवाम स्वेटर्स, जैकेट्स और मफलर की खरीदारी में मसरूफ नजर आए। स्कूल का स्वेटर कैसे पहना है बच्चों को, जब जाहिर बात है सर्दी इतनी हो रही है, बच्चे स्कूल कैसे जाएं? स्वेटर ही 150 रुपए का दे रही है। यहाँ पर ऐसा मार्केट है कि इसमें हमारी रेंज से आ जाते, मिल जाते हैं और जैसे हम चाहते वैसे मिल जाते हैं। यहाँ पे बड़ों के लिहाज से और बच्चों के लिहाज से अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं जो हम आराम से खरीद सकते हैं। ये चीज़ जो है हम भी खरीद करने के लिए आता है, ये बोलता है तुम महंगा है, देखो हम पूरा कंटेनर उठाता है, ये सिरेट में हमको भी नहीं आता है, 50 रुपये में क्या मिलेगा। हर चीज़ पे आप कोई भी चीज़ ले लो उसी वे महंगाई बढ़, वो रेट तो नहीं रहते कि आज से 20 साल पहले जो था। आवाम का कहना है कि महंगाई के जिनको काबू में रखने के लिए हुकूमत तो कोई इकदामात करती नजर नहीं आती, ऐसे में इनकी गरीबी का भरम रखने में यही सस्ते बाजार करामत साबित होते हैं। महंगाई के इस दौर में जहां तमाम ही अशिया गरीब आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं, वहीं गर्म कपड़ों के ये सस्ते बाजार किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन अब्दुल मुबीन के साथ सबा नूर 92 न्यूज़ कराची।